अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ हैरुद्दीन किब्जई और आज सेंटेंस करेक्शन के लेक्चर नंबर 27 के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 27 में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ हार्डली। यानी आपके पास जो एरर आएगा वो होगा हार्डली से रिलेटेड। अब हार्डली हमारे पास क्या है या यहाँ पर एरर क्यों है, इसे ज़रा देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जब हम बात करते हैं एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब हमें बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है ज़रा देखते जाएं। पॉइंट ये है कि हमारे पास एक एडवर्ब जिसे हम कहते हैं हार्ड और एक और एडवर्ब है जिसे हम कहते हैं हार्डली, राइट। अब ये हार्ड वाला एडवर्ब हमें बताता है किसी चीज की इंटेंसिटी के बारे में, किसी काम की शिद्दत के बारे में, राइट। जबकि हार्डली हमें बताता है कि हाउ फ्रीक्वेंट सम एक्शन इज डन, यानी वो हमें यह बताता है कि कोई काम कितना फ्रीक्वेंटली होता है, और हार्डली हमें यह बताता है कि कोई काम बहुत कम होता है, यानी इतना कम होता है कि ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एडवर्ब है इसका काम किस चीज़ से है कि कोई एक्शन कितना होता है, कितनी दफ़ा होता है, कितना फ्रीक्वेंटली होता है। जबकि ये वाला जो एडवर्ब है ये हमें बताता है कि कोई काम होता है कितनी शिद्दत के साथ होता है, ठीक है, कितनी सख्ती के साथ होता है। अब सेंटेंस को ज़रा देख लेते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ है जॉन इज वर्किंग हार्डली। अब यहां पर वो बात कर रहा है कि जॉन एक काम कर रहा है, वर्ब, ठीक है, वर्किंग। अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जॉन मेहनत करता है और सख्त मेहनत करता है, ठीक है, यानी सख्त मेहनत करता है, शिद्दत के साथ करता है। तो गलती यहां पर यह की गई है कि यहां पर जो एडवर्ब यूज किया गया है हार्डली वो ये वाला है, फ्रीक्वेंसी वाला है, जबकि हमें चाहिए कौन सा वाला, इंटेंसिटी वाला, जिसका मतलब है शिद्दत के साथ, ठीक है। तो जॉन इज वर्किंग, अब ये हमारे पास एरर है, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जॉन सख्त मेहनत करता है, सो आपको चाहिए ये वाला, इंटेंसिटी वाला, सख्त। अब ये सख्त वर्ड जो है ये इंटेंसिटी शो करता है, तो जब आप सख्त की बात करेंगे तो आपने ये वाला एडवर्ब हार्ड यूज करना है। तो करेक्शन क्या होगी कि आप हार्डली की जगह पे यूज करेंगे जॉन इज वर्किंग हार्ड, राइट। इसमें ये मिस्टेक है जिसका आपने ख्याल रखना है। हमारे पास दो तरह के एडवर्ब्स हैं, हार्ड भी एडवर्ब है, हार्डली भी एडवर्ब है। हार्ड का मतलब इंटेंसिटी, शिद्दत के साथ, और हार्डली का मतलब है कि हाउ फ्रीक्वेंटली, यानी कितना होता है, बहुत कम होता है, बमुश्किल होता है, ना होने के बराबर है। तो इस सेंटेंस के हवाले से हमें वो वाला एडवर्ब चाहिए था कि जो शो करता है इंटेंसिटी को, जो शो करता है शिद्दत को, जबकि यहाँ पर इन्होंने लिखा था हार्डली। हमारे पास करेक्ट क्या होगा, हार्ड हम लिख लेंगे तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसे देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने हार्डली यूज करना हो तो हम कहाँ यूज करेंगे। देखिए, अब इसमें पॉइंट किया जाता है कि कोई काम है, होता है, कितना होता है, बहुत कम होता है, तकरीबन ना होने के बराबर है, राइट। तो फिर हम यूज करेंगे हार्डली, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होगी। कैसे, मैं कहता हूं कि
आसिफ हार्डली स्टडीज. वन, एक और सेंटेंस. आसिफ स्टडीज हार्ड. अब हमारे पास ये सेंटेंस नंबर वन जो है ये क्या शो कर रहा है कि आसिफ ये काम करता है कितना, बहुत कम, बमुश्किल ही, ना होने के बराबर. तो इसलिए फिर हम एडवर्ब यूज करेंगे हार्डली. और एक चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप हार्डली वाला एडवर्ब यूज करेंगे तो आप पहले एडवर्ब यूज करते हैं फिर उसके बाद वो वर्ब यूज करते हैं, जबकि हमारे पास वो इंटेंसिटी वाला जो एडवर्ब है राइट, इसमें क्या होगा, इसमें आप सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे और एडवर्ब बाद में यूज करेंगे. ठीक है, अब आसिफ हार्डली स्टडीज, आसिफ बमुश्किल ही पढ़ता है राइट. और ये किसने बताया कि बमुश्किल, हार्डली. अच्छा, आसिफ मेहनत के साथ पढ़ता है, शिद्दत के साथ पढ़ता है, किसने बताया, हार्ड राइट. एक तो इन दोनों की पोजीशन चेंज है, हार्डली वर्ब से पहले आ रहा है जबकि हार्ड वर्ब के बाद आ रहा है. एक तो इनकी पोजीशन चेंज है, पोजीशन के साथ साथ इनके फंक्शंस भी चेंज है. हार्डली आपको बताता है कि कोई काम होता है बमुश्किल होता है, तकरीबन ना होने के बराबर है, जबकि हार्ड आपको बताता है कि कोई काम होता है, किस तरह होता है, शिद्दत के साथ होता है. तो ये एक ऐसा पेयर है हार्ड और हार्डली के एडवर्ब वाला कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 27. अगले लेक्चर में एक और करेक्शन के साथ हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.